हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय कुमार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए। दोस्तों, कभी कभी यह होता है कि इंटरनेट के द्वारा हम लोग कोई मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ चुके होते हैं या कोई पेज देख चुके होते हैं और उसे फिर पढ़ना या देखना चाहते हैं तो याद करना पड़ता है कि वह स्टोरी कौन सा था या वह पेज कौन सा था, फिर सर्च करना पड़ता है। दोस्तों, आप वह पेज या स्टोरी आसानी से ओपन कर सकते हैं। आप कोई भी पेज अपने बुकमार्क में सेव कर सकते हैं। आप जब भी चाहें ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दो ट्रिक बता रहा हूँ। पहला ट्रिक यह कि कोई भी पेज बुकमार्क में कैसे सेव करेंगे, और दूसरा यह ट्रिक कि आप अपने फ़ोन में कोई भी पेज डेस्कटॉप रिक्वेस्ट में कैसे ओपन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन करके गूगल क्रोम डाउनलोड कर लीजिए। मैं गूगल क्रोम पहले ही डाउनलोड कर लिया हूँ। उसके बाद गूगल क्रोम ओपन करना है। मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। कुछ भी सर्च कर दीजिए, जैसे कि मैं YouTube सर्च कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, YouTube ओपन हो गया है। आप ध्यान से दोस्तों देखिए, यह जो थ्री डॉट है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। दोस्तों, ये जो स्टार देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए। ये मैं स्टार पर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ लिख रहा है बुकमार्क। अब मैं आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूँ, यह सेव हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक ऑप्शन है बुकमार्क्स का, इस पर मैं क्लिक किया तो देखिए दोस्तों यह सेव हो गया है। यूट्यूब, यहाँ गूगल सर्च, मैं पहले ही फेसबुक यहाँ सेव किया था। दोस्तों, आप चाहें तो यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए, ये थ्री डॉट पर क्लिक करके यहां डिलीट का भी ऑप्शन है, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं फेसबुक को यहां से डिलीट करके दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों, डिलीट हो गया, यहां लिख भी रहा है डिलीटेड फेसबुक। अब देखिए दोस्तों कि वहां लिखा डिलीटेड फेसबुक। तो दोस्तों, इस तरह करके आप कोई भी पेज अपने बुकमार्क में सेव कर सकते हैं। अब मैं जो दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ वह यह कि आप कोई भी पेज डेस्कटॉप रिक्वेस्ट में कैसे ओपन करेंगे। दोस्तों, ये थ्री डॉट है, इस पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर यहाँ पर ऑप्शन है एक रिक्वेस्ट डेस्कटॉप, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, यह जो YouTube है यह डेस्कटॉप रिक्वेस्ट में ओपन हो गया है। आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे डेस्कटॉप में ओपन होता है वैसे ही यह ओपन हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह आप कोई भी पेज बुकमार्क में सेव कर सकते हैं और कोई भी पेज आप अपने फ़ोन में डेस्कटॉप रिक्वेस्ट में ओपन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।